मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के 3 युवाओं ने। जिस जगह जाने से लोग कभी डरते थे, आज वहां तीनों दोस्त मिलकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, गरीब बच्चों को साक्षर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम की। इस इलाके के गरीब बच्चे कभी लाश पर से बताशा और फल चुनते थे, लेकिन आज वे 2 दुनी 4 का पाठ पढ़ रहे हैं। जहां जलती हैं चिताएं, वहीं शिक्षा की अलग जगा रहे हैं ये 3 दोस्त। मुजफ्फरपुर में एक स्थान ऐसा है जहां भूत प्रेत का बसेरा होता है, जहां जाने से लोग भी डरते हैं। वहीं 3 ऐसे दोस्त जो जलती चिताओं के बीच बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। दरअसल तीनों दोस्त अपन पाठशाला खोलकर बुनियादी शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और यह विद्यालय शहर के मुक्तिधाम में बना हुआ है। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के मुक्तिधाम में पिछले 5 साल से तीनों दोस्तों ने बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाया है। चंपारण के सुमित, सीतामढ़ी के सुमन सौरभ और मुजफ्फरपुर से अभिराज कुमार, इन तीनों ने बुनियादी शिक्षा से वंचित बच्चों को साक्षर बनाने का जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बता दें कि कचरा चुनने वाले और मुक्ति धाम में आए पार्थिव शरीर से फल व अन्य वस्तुओं को उठाने वाले, हाथों में कॉपी और कलम और स्लेट व पेंसिल बच्चों के संस्कार व चरित्र में परिवर्तन कर रहा है और वहां बच्चे पढ़ते हैं 2 दुनी 4 और 5 दुनी 10। साथ ही बता दें कि इनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों और उनके अभिभावक काफी खुश नजर आते हैं। चंपारण के सुमित, सीतामढ़ी के सुमन और मुजफ्फरपुर से विराज कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह निर्णय लिया कि शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। शुरुआती दिनों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब जगह नहीं मिली तो मुक्तिधाम को ही एक जरिया बनाया गया। 5 साल पहले मुक्तिधाम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो काफ़ी डर और परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा। पहले बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन वर्तमान में बच्चे ठीक ठाक संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।